ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की दो वीडियोस में, इस पहले वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में होने वाली ऑक्सीजन की अदला बदली के बारे में जानेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली ऑक्सीजन की वृद्धि को ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन की हानि को अपचयन कहते हैं। आइए हम पहले ऑक्सीकरण पे चर्चा करते हैं। कम्बशन रिएक्शन यानी दहन अभिक्रिया ऑक्सीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जो ऑक्सीजन के संयोग से जलता है। बॉन्ड बनने से ऊर्जा मुक्त होती है जिसका इस्तेमाल कारों को चलाने में या दूसरे कार्यों में किया जाता है। ऑक्सीजन धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है। जब ऑक्सीजन आयरन से अभिक्रिया करता है तो आयरन का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। क्या आप Fe2O3 का नाम बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आयरन को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने से क्या होता है? शायद आप समझ गए होंगे, Fe2O3 जंग है। इसीलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पे दूसरी धातुओं जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। परत चढ़ाने की इस विधि को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। सच कहें तो जिंक भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये अभिक्रिया इतनी तेज होती है कि जिंक गैल्वनाइज्ड आयरन को वायु के साथ अभिक्रिया करने का मौका दे देता है जिससे आयरन सुरक्षित रहता है। ऊष्मा देकर आप इस अभिक्रिया की गति को और तेज कर सकते हैं। ये ऊष्मा नए बॉन्ड बनने से पहले बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इस ऊर्जा को संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। खून में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एक्सचेंज रिएक्शन के माध्यम से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। Fe2+ आयंस इस गोल वाले हिस्से में उपस्थित रहते हैं। जब ऑक्सीजन Fe2+ आयंस के साथ अभिक्रिया करता है तो वापस से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड कहते हैं। शरीर में जहाँ इसकी आवश्यकता होती है ये वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं और फिर आयरन Fe2 पॉजिटिव में अपचयित हो जाते हैं। आइए अब अपचयन की बात करते हैं। अपचयन में ऑक्सीजन की हानि होती है। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ऑक्सीजन निकाल के अपचयित हो जाते हैं। 17वीं सदी में लोगों का मानना था कि पदार्थों को गर्म करने पे उनके तत्व शुद्ध अवस्था में मिल जाते हैं और सच कहें तो पहली बार मरकरी ऑक्साइड को अपचयित करके शुद्ध ऑक्सीजन बनाई भी गई थी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि पदार्थों को गर्म करने से उनका ऑक्सीकरण होगा या अपचयन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम धातु ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन हटा के शुद्ध धातु प्राप्त करने में सक्षम है। इस तरह मिली हुई शुद्ध धातुओं में अद्वितीय गुण होते हैं जो उद्योग के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पे आइए हम ब्लास्ट फ्यूरेंस यानी वात भट्टी का उदाहरण लेते हैं। आयरन ओर यानी लोह अयस्क या आयरन ऑक्साइड के धातु आयरन में अपचयन के लिए यहाँ पे हम कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्यतः भट्टी इतनी गर्म नहीं होती कि कोयला आयरन ऑक्साइड या आयरन ओर से सीधी अभिक्रिया कर सके। कोयला वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। कार्बन ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या आप उत्तर दे सकते हैं? इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? ये आयरन ओर या आयरन ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है जिसमें हमें शुद्ध आयरन मिल जाता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है। आयरन ऑक्सीजन देके अपचयित हो रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस वीडियो में हमने औद्योगिक और प्राकृतिक उदाहरणों की सहायता से ऑक्सीजन की वृद्धि या हानि के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन की चर्चा की। अब आप अपने आसपास के अन्य दिलचस्प उदाहरणों का पता लगाइएगा।